वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहोय। मेरा नाम है तुषार। तो आज कुछ डिफरेंट, एक थोड़ा सा चेंज फ्रॉम राज कॉमिक्स और बाकी की बुक से। तो फिक्शन कॉमिक्स का नाम आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो ये एक पब्लिशिंग हाउस है जो पांडा ब्रदर्स ने सेटअप किया था कुछ साल पहले बिलासपुर में, और उनकी एक अपनी ही ऑडियंस है, एक अपना फ़ैन बेस है सेपरेट। और उन्होंने जो पांडा ब्रदर्स हैं, उन्होंने ऑब्वियसली राज कॉमिक्स और बाकी पब्लिशर्स में काफ़ी काम किया है। अभी रिसेंटली मैंने ताश्री की कॉमिक्स का रिव्यू किया था, तो उसमें भी उनका काम था। बाकेलाल की अभी भी काफ़ी बुक्स आ रही हैं, राज कॉमिक्स में वो काफ़ी सक्रिय हैं। पर फिक्शन कॉमिक्स जो उन्होंने अपना एक सेटअप किया है हाउस कॉमिक्स का, उसमें थोड़ा स्लो चल रहा है प्रोडक्शन। तो कुछ इश्यूज़ आए थे स्लोनेस से, पर अभी वो वापस से दे लुक प्रॉमिसिंग और वो पिकअप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी फिक्शन कॉमिक्स में वापस से उसको पिकअप करा जाए और थोड़ी फिक्शन कॉमिक्स आपको दिखाई जाएं। तो फिक्शन कॉमिक्स इज़ इट केटर्स टू ऑल द एज ग्रुप्स। तो अलग अलग एजेस के लिए अलग अलग कंटेंट आता है, और एक बहुत ही यूनिक उन्होंने अपने खुद के सुपर हीरो यूनिवर्स क्रिएट करा है, और उसी में एक बहुत लोकल हीरो की फील आएगी, जिसमें आपको क्वालिटी इंटरनेशनल मिलेगी बुक्स की। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ बुक्स दिखाता हूँ जो ऑल एजेस हैं। ऑब्वियसली आई कांट शो यू द वन दैट इज़ अडल्ट कंटेंट, बट मैं आपको जस्ट एक क्लिप्स दिखा दूँ कि इसमें आती हैं साइकोपैथ स्टोरीज़, फिर एक आती है सोना सीरीज़, और फिर कुछ इंडिपेंडेंट बुक्स आती हैं। तो हॉरर का आई एम अ बिग फैन, तो मेरे पास हॉरर का पूरा ही कलेक्शन है। इसी तरह हॉरर डायरीज़ का काफ़ी बड़ा सेट है। तो हॉरर डायरीज़ इज़ समथिंग लाइक, जिसमें एंथोलॉजी है, छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, बहुत क्विक और एन्जॉयबल। आपको रोज़ एक हॉरर स्टोरी पढ़नी है रात को सोने से पहले, तो हॉरर डायरीज़ इज़ परफेक्ट। और देन देर इज़ दी अमावस सीरीज़। तो अमावस सीरीज़ वॉज अ वेरी फेमस एंड स्टिल इज़ वेरी फेमस सीरीज़। ये आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी एंड देर इज़ ह्यूज फैन बेस फॉर इट। सो इसमें आती हैं 6 बुक्स, अमावस, अमावस रिटर्न्स, अमावस अलाइव, अमावस पजेस्ड, टर्मिनेशन और अनटोल्ड। तो ये बात हुई फिक्शन कॉमिक्स की अडल्ट बुक्स की। अभी बात करते हैं उनकी जो सुपर हीरो यूनिवर्स है उसकी। तो ये बुक है द ब्रेन, ये प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज़ 1 है। फिर ये है अमीश, प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज़ 2। फिर ये है सुपर हीरो अमीश। फिर ये है वाइपर, प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज़ 4। फिर ये एक और हीरो है सीटामिन। फिर ये COVID-19 पे स्पेशल एक बुक निकली थी, कोरोना वायरस से जंग। तो फिक्शन बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बुक्स की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो पेज क्वालिटी और ये जो आप देख ही सकते हैं, जो उसकी फील आती है, ये बहुत ही अच्छी होती है। और ऐसी ही क्वालिटी मुझे कुछ फेनिल कॉमिक्स में भी मिली थी, बट फिक्शन कॉमिक्स में देर इज़ सो मैनी पीपल इन्वॉल्व, देर इज़ सो मैनी स्टोरीज़, तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है फिक्शन कॉमिक्स की ये बुक्स का। मैं किसी और दिन इन बुक्स की स्टोरी का भी रिव्यू करूँगा, बट एज अ स्टैंड अलोन यू कैन रियली गो फॉर देयर सुपर हीरो बुक्स लाइक इन फिक्शन कॉमिक्स। तो ये बात है द ब्रेन की। और फिर आती है अमीश, और काफ़ी अच्छा एक यूनिवर्स क्रिएट करा गया है इसमें। स्टोरी बहुत अच्छी होती है, स्टोरी को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेके ये क्रिएट करी गई हैं। तो इसके लेखक अनुराग कुमार सिंह हैं, जो काफ़ी कॉमिक्स में सक्रिय हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फिक्शन में एक यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, और आगे भी यूनिवर्स की प्लानिंग है। ये एक स्याह काल नामक एक फीमेल मल्टी स्टारर यूनिवर्स प्लान्ड है। ये इनकी सारी सेट डिटेल्स हैं, और अप्रैल 2018 से ये स्टार्ट हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने टाइम से ये बुक्स आ रही हैं। तो ये कुछ आई थिंक ऑलमोस्ट अभी 150 बुक्स के ऊपर रहेंगी फिक्शन में, पर यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। दे ऑल्सो क्रिएट बुक्स ऑन सम इंडियन हीरोज़, जो हमारे हम बुक्स में, इतिहास की बुक्स में शायद इंक्लूड ना हो, पर इनकी बुक्स के ज़रिए हम उनके बारे में जान सकते हैं, और जैसे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी दे सकते हैं। तो वो बुक्स भी हैं। फिर अभी इनके सीरीज़ आने वाले हैं, जो भूताल इनका एक किड वाला कैरेक्टर है, उसका एक सीरीज़ आने वाला है, विच आई एम एक्साइटेड फॉर। सो दैट इज़ अबाउट फिक्शन कॉमिक्स। नाउ ऑन टू ओपनिंग दिस नॉवेल्टीज़। ये मैंने कभी भी नहीं खोला है,
आई थिंक 3-4 महीने हुए होंगे ये कब पहली बार ही खुल रहा है ये नॉवल्टी। तो ये हॉरर स्टोरीज में एक कैरेक्टर है, आई थिंक ये पांडा जी ही हैं, ये देशद्रोही। दीज आर नाइस कार्ड्स। डीमन किंग वर्धा, कमांडर करण सक्सेना रचना, नेक्टर कुलावा, कमांडर करण सक्सेना नेक्टर सीरीज, आई थिंक ये भूताल सीरीज का है कोई, द ब्रेन, मंजू दीदी, ईगल फेस, द ब्रेन, ब्लू आई, ब्लैक मास्क, हॉरर डायरीज, नेक्टर कुलावा, ईविल फेस, द्रौपदी, हंगरी, जेनेटर, नेक्टर सीरीज एंड देन आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम साइकोपैथ डायरीज। सो या सुपर कूल दी स्मॉल कार्ड्स, आर्ट कार्ड्स एंड दैट्स अबाउट इट। फिक्शन कॉमिक्स के बारे में, आप भी फिक्शन कॉमिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो यू ड्रॉप मी अ मैसेज। और एक ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं और यू कैन गेट एडेड टू फिक्शन कॉमिक्स का इंक्रीजिंग फैन बेस। तो दैट्स अबाउट इट। आई विल डू वन मोर रिव्यू ऑफ दी सुपर हीरो बुक्स, आई एम नाउ रिविजिटिंग दैन, तो आपको और इनके बारे में जानकारी दूंगा जल्दी ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।